बालकों की सुरक्षा तथा आवारा पशुओं के बेहतर रखरखाव के लिए नंदीशालाओं की स्थापना के अंतर्गत कैथल में नगर परिषद की सीमा में लगभग 10 एकड़ भूमि में बनी कपिस्थल नंदी गौशाला का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने नारियल तोड़कर किया। इस गौशाला का निर्माण उपायुक्त श्रीमती सुनीता वर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर 3 नंदियों को नंदीशाला में छोड़ा गया तथा अतिरिक्त उपायुक्त एवं नगर परिषद के चेयरमैन यशपाल प्रजापति ने इन नंदियों को हरा चारा और गुड़ खिलाया। अतिरिक्त उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि नगर परिषद द्वारा लगभग 10 एकड़ भूमि में नंदीशाला का निर्माण किया गया है। उन्होंने नंदीशाला में उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं से निरीक्षण करवाया, जिनमें पशुओं के शेड, चारे व पानी के लिए बनाई गई खुरली व होदी शामिल है। आपको बता दें कि उन्होंने नंदीशाला में रखे तूड़े का भी निरीक्षण किया। आगामी 15 अगस्त से पूर्व कैथल शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कर दिया जाएगा, जिससे लोगों की सुरक्षा के साथ साथ पशुओं की भी अच्छी प्रकार से देखभाल होगी। आज आरटीवी न्यूज के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। क्योंकि दो प्रकार का कार्य होगा, एक तो धार्मिक प्रवृत्ति से उसमें और एक मानसिक प्रवृत्ति से, और ये एक जो लोगों को फैर बना रहता था एक्सीडेंट का, जब बच्चे जाते थे हम बाहर निकलते थे सबको ये लगता था कि भी किसी भी टाइम कोई एक्सीडेंट हो सकता है और सब हम बच्चों की फिर हम चिंता करना छोड़ देंगे, हम भी बेज बाहर होकर निकलेंगे और पूर्ण रूप से ट्रैफिक का फ्लो भी सही तरीके से कैथल बनेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मतलब बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम बढ़ चढ़ कर स्टाफ भी, प्रशासन भी और ये जनता भी इसमें भाग ले रही है। बना हुआ है और इसके अंदर फिलहाल तो मिनिमल स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, इसकी बहुत विस्तृत गौशाला की परियोजना है इसकी, जो धीरे धीरे आगे सरकार से ग्रांट लेकर के और स्थानीय लोगों से सहयोग लेकर के उसको आगे पूरा किया जाएगा। क्या मानते हैं? उम्मीद है जी कि जैसे ही अब यहाँ पर हम आवारा पशुओं को पकड़ के लाना शुरू करेंगे तो नागरिकों को स्पष्ट रूप से राहत न केवल मिलेगी बल्कि दिखाई भी देगी। अब जो देर सवेर रात को अगर ट्रैफिक चलता है या कोई मोटरसाइकिल वगैरह पर होता है तो काफ़ी खतरनाक हो जाता है, अचानक से कोई पशु सामने आ जाए, किसी भी वाहन के लिए खतरनाक है, तो इस समस्या से भी निजात मिलेगी और उनको एक स्थान पर गौवंश उपलब्ध है, जो व्यक्ति अपनी मान्यता के अनुसार श्रद्धा अनुसार कुछ सेवा करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं। शरण दी जाए उनके लिए, पूरी अच्छी व्यवस्था, पानी की, घास चारे की व्यवस्था की जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो। और हमने ये व्यवस्था की है कि हर हफ्ते 2 या 3 बार वेटनरी डॉक्टर यहाँ विजिट करेंगे और उनमें कोई बीमारी ना फैले उसका भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। इस विषय में सभी डिस्ट्रिक्टों के प्रशासन को सूचित कर दिया गया है और इसके लिए पूरा प्रशासन अलर्ट पे है। इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने नहीं दी जाएगी और उसके लिए एक अच्छे खासे जुर्माने का भी प्रावधान और सजा का प्रावधान हम करेंगे।